अजी दोस्तों चलते हैं छत पर और आज एक और कबूतर पकड़ा है मैंने, तो वो भी आपको चलकर दिखाते हैं। जैसे ही मैं छत पर ऊपर आया था तो वो कबूतर बैठा हुआ था, पहले चल के आपको ये कैसे दिखाते हैं। अजी दोस्तों आज सुबह जैसे ही मैं उठा था वो आकर पहले ये यहाँ पर सेट कर दिए। शिफ्ट तो हमने कल किए थे मगर आज ये सेट करके मैंने रखे हैं। इनमें थोड़ी सी जगह और भी छोड़नी है क्योंकि यहाँ इस तरफ से भी बॉक्स लगेगी, इसमें तो बॉक्स में एक लगेगा, इस तरफ जो रोजी कोली का जोड़ा है इसमें एक बॉक्स लगेगा, तो थोड़ा सा ऐसे इस तरफ करना पड़ेगा और यहाँ दोनों साइडों से बॉक्स लगेंगे, इस तरफ भी और उस तरफ भी कॉकटेल का, और ये नीचे भी कॉकटेल का बॉक्स लगेगा। तो ये नीचे वाली जगह जो है यहाँ पर भी इस साइड से भी बॉक्स लगेगा और उस साइड से भी, तो ऐसा करेंगे ये कॉकटेल निकाल कर उसके में कर देंगे। जैसे ये जावा पड़े हुए हैं गिरिजावा, और ये गिरे जावा इस तरफ करेंगे, तो वहां पर भी थोड़ी जगह छोड़नी है क्योंकि सफाई जब करेंगे तो आसानी होगी। अजी दोस्तों ये गर्मों का भी जोड़ा, इन जोड़ों ने बच्चे किए हैं मगर बच्चे अपने स्टाइल कर दिए हैं, और ये बच्चे माशाल्लाह चाह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए एक बच्चा ये अंदर एक्सपायर पड़ा हुआ है और इसने बच्चे निकाले, तो माशाल्लाह ये एक बच्चा इसने निकाला है और दूसरा इसने बच्चा कल भी निकाला था यहाँ परसों, वो बच्चा इसने मार दिया था, वो एक बच्चा ये माशाल्लाह सही नज़र आ रहा है। आपको भी यहाँ से नज़र आए थोड़ा नहीं है, यहाँ से थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है। अजी तो यहाँ पर हमका सही है, आपको नाम नज़र आ रहा होगा, बच्चा इसने एक बच्चा निकला और एक इसने भी मार दिया, और उसने इतना बड़ा बच्चा करके ये देखें ये मार दिया, तो ये निकाल दें बाहर। अजी दोस्तों ये देखें इतना बड़ा बच्चा हो गया था एंगोर्मो का, और ये बच्चा मर चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका था भाई, 10-12 दिन और होता तो ये मटकी से भी निकल आता, इतना बड़ा हो जाता। और दूसरे बच्चे देखें, ये एक और बच्चा थोड़ा ढीला ढीला सा नहीं माशाल्लाह, ये दो तीनों से ये जो नीचे बैठा हुआ है ये भी हल्का सा मुझे ऐसा लगा ये भी मर चुका है मगर ये जिंदा है, और वो दोनों बच्चे एक्टिव हैं बिल्कुल, ये थोड़ा ढीला लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल में इनकी जगह चेंज हुई है, तो ये फीमेल अपने बच्चों को सही से फीड नहीं करवा रही, इस वजह से ये बच्चे एक्सपायर हुए हैं। तो ये बच्चा निकालते हैं यहाँ से उठाते हैं और ऐसे मट्टी में जाकर दफना कराते हैं, अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं और ये मट्टी का ढक्कन भी मट्टी के ऊपर रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, होंगे। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अजी दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी दोस्त ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं मगर ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो भी पूरी देखा करें। अजी दोस्तों आज जैसे छत पर आया तो जब से ये कैच सेट करने आया तो उस टाइम ये कबूतर वो जो कोना नजर आ रहा है यहाँ कोने में बैठा हुआ था, और ये सारे के कबूतर हमारे बंद थे, और ये देखें ये कबूतर जो आगे आगे चल रहा है, और ये फीमेल है और ये मेल है, जो हमने पहले पकड़ा था ये मेल है और वो उस तरफ फीमेल है। ये पानी भी बर्तन का ख़त्म हो गया था, शुक्र है कि वरना ये पानी होता तो ये पानी पीकर यहाँ से चला जाता, उनमें उसी टाइम वो बड़े कैच से कबूतर निकाले और पानी इसमें बर्तन में डाल दिया, ये पानी पीने की कोशिश कर रहा था और उसको मैं पकड़ने की, मगर ये पानी के करीब ही नहीं आ रहा था उस टाइम, तो मैंने उस कैच में इसको कर दिया उस कैच में, उसी टाइम ये अंदर चला गया और उस टाइम मैंने पकड़ के इसके पर मैंने कैच कर दिए हैं, तो इसका करीब से भी आपको शो करवाते हैं। और माशाल्लाह ये है भी फीमेल, माशाल्लाह मेल चेक करें और ये फीमेल है, अब आप इसमें बताएं फीमेल अच्छी है या नस्ल के हिसाब से ये मेल अच्छा है। तो माशाल्लाह इनका छतरी वाले कबूतरों का भी जोड़ा बन गया, ये देखें इस तरफ ये फीमेल है और ये इस तरफ ये मेल है माशाल्लाह। हमारे पास काफ़ी कबूतर ऐसे आते रहेंगे क्योंकि छत पे हमने पहले कभी नहीं रखे थे कबूतर, अब छत पे सेटअप बन गया है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी कबूतर भी पकड़ेंगे। और एक हमारा और कबूतर बीमार भी है थोड़ा सा, ये देखिए ये जो सबसे ज़्यादा मस्तियाँ करता था कबूतर, ये आज रात से देख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा खामोश खामोश इस जगह पर बैठा हुआ है, आज ये कैच से भी बाहर नहीं निकला था, मैंने इसको खुद निकाल कर बाहर बैठा दिया है, अभी ये इधर उधर उड़ तो रहा है मगर ये थोड़ा ढीला ढीला सा है, वरना ये मस्तियाँ करता था सारा दिन, आपने देखा होगा वीडियो में सब कबूतरों से ज़्यादा ये मस्तियाँ कबूतर करता था, और आज
ये थोड़ा ढीला हो गया है, बीमार हो गया, यानी कि आपस में लड़ाई होती है इस वजह से। यहाँ कल मैंने गर्मी में उड़ाया था इसको, उस वजह से ये बीमार हुआ है। इस तरफ 35 साल की फीमेल के नीचे थे, ये देखे माशाल्लाह एक बच्चा निकल आया और दो अंडे पड़े हुए हैं, दोनों अंडों में से भी इंशाल्लाह कल तक बच्चे निकल आएंगे। और ये किसके अंडे हैं, तीनों पड़े हुए थे जिसमें से बच्चा भी निकला है और दो अंडे भी पड़े, तो वो भी आपको जोड़े दिखा। जी हाँ, एक ये जोड़ा है, इस जोड़े के अंडे मैंने 35 वाली फीमेल के नीचे रखे थे, और एक ये जोड़ा है जिसके हमने दो अंडे रखे थे, एक तो इन्होंने खुद ही अजीत हूँ, एक अंडा इन जोड़ों ने खुद ही तोड़ दिया था। एक ये मेल है और ये इस तरफ फीमेल है, एक अंडा इनका पड़ा हुआ है और दो अंडे उसके जोड़े के पड़े हुए थे। अजीत दोस्तों, ये बॉक्स भी मैंने बाहर रख दिए और केज से उतार दिए, कुछ बॉक्स, एक दो बॉक्स और भी नीचे पड़े हुए हैं, तो वो भी छत पर लेकर आएंगे। यहाँ धूप में मैंने खोल कर रख दिए, जरासीम वगैरह नीचे खत्म हो जाएंगे। अजीत हूँ, चलकर अंदर आपको बच्चों वाली मुर्गी भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारा दिन और रात के टाइम यहाँ पर भी होती है, और रात के टाइम मैंने इसको दूध और चावल भी दिए थे, माशाल्लाह ये पूरे खा गए, और सुबह के टाइम बाजरा दे देता हूँ और पानी, तो माशाल्लाह ये सारा दिन खाते रहते हैं और यहाँ घूमते फिरते रहते हैं, कभी इस तरह इस कमरे में और कभी इस तरफ चले जाते हैं परिंदों के पास। अजीत हूँ, एक केज हमारा नीचे पड़ा हुआ है लकड़ी वाला बड़ा, जिसमें ऑस्ट्रेलियन और हिंगोर्मों के पट्टे हैं, तो वो केज कुछ दिनों के बाद ही ऊपर लेकर आएंगे, और ये केज भी यहाँ से उठाकर उस तरफ कोने में शिफ्ट करना है, और ये केज भी थोड़ा वहाँ उस तरफ पीछे करना है कोने में, और दूसरा केज लेकर आएंगे, वो अगर यहाँ पर जगह बनी तो वो केज यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल इस वजह से ऊपर छत पर नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ मसाला लग चुका है छत को, और ये जगह थोड़ी सी रह गई है, और ये पूरी लाइन एक रह चुकी है, तो जब इसको मसाला लग जाएगा तो उसके बाद ही ये केज लेकर आएंगे, वरना ये मसला होगा। यहाँ स्टूल वगैरह रखेंगे मिस्त्री, तो ये केज फिर से बाहर निकालने पड़ेंगे, तो इस वजह से वो केज ऊपर नहीं लेकर आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ये केज भी खाली कर दूँ, ये तीनों पटे काफ़ी टाइम भी यहाँ पड़े हुए हैं, तीनों को भी निकाल कर इस केज में शिफ्ट कर दें। और ये देखें दो तीनों पटे का अमेरिकन फीमेल जो है वो अंदर मटकी में जाकर बैठी है, ये केज खाली हो जाएगा। जो नीचे हमारे कॉमन लोटिनो पड़े हुए हैं और वो भी सारे जोड़े लेकर आते हैं, चार या पांच जोड़े हैं, तो वो इसमें शिफ्ट कर देते हैं जब तक हम बड़े केज बनवाएं उनके लिए। और खरगोश भी सोच रहा हूँ, खरगोशों के लिए भी यहाँ पर जगह बनाएं, यहाँ पर कोने में यहाँ से भी कुछ ईटें रख दें, और इस तरफ यहाँ पर ईटें रख कर, और हल्की सी यहाँ पर मट्टी वगैरह रख कर, और मटका वगैरह कुछ रख कर उसका पाइप वगैरह लगा के उनके लिए कोई घर वगैरह बना देते हैं, तो यहाँ इनका सेटअप बनेगा। फिलहाल यहाँ पर बनाते हैं, आगे चल के उस कमरे में यहाँ इनका सेटअप बाहर बनाएंगे, यहाँ इसी कमरे में कहीं ना कहीं बनाएंगे। अजी तो यहाँ पर सारे केज बनवाने हैं, तो देखेंगे अगर आगे चल के उन केज में खरगोशों को भी रखेंगे, खरगोश और भी लेकर आने, ये तीन है, तीनों फीमेल है और मेल भी लेकर आएंगे, मगर रेड आई में लेकर आएंगे एक जोड़ा। अजीत हूँ, कॉकटेल के तीनों पट्टों को भी, और जो कॉमन लोटिन हमारे नीचे पड़े हुए हैं उनको कल इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे, उनको पकड़ते हुए काफ़ी टाइम लगेगा, तो इनको भी स्केज में कल शिफ्ट करेंगे, इन तीनों को पट्टों को भी और कोमल लोटिनों भी छत पर लेकर आएंगे, मगर इसी केज में ये केज नीचे लेकर जाएंगे, सारे पटर के स्केज में डालकर ऊपर छत पर लेकर आएंगे। अजीत हूँ, ये देखिए पहले से ये बीमार और फिर से कबूतरों से लड़ाई भी कर रहा है, तो इसको करवाते हैं कोई हट जा। अजीत हूँ, शाम भी हो गई और कबूतरों को भी दाना दे दिया, कबूतर दाना खा रहे हैं अपना, और नया कबूतर भी जो पकड़ा है वो भी उनके साथ ही दाना खा रहे हैं, और वीडियो का भी यही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।